मेरी प्यारी बहनों, आज हम बनाने जा रहे हैं दम बिरयानी। आप चिकन को मसाले लगाने का है, एक भगोना लिए हमने, 1 किलो चिकन लिए है और उसको चिकन को भगोने में डालने का है। पाव किलो तेल लिए थे हमने, उसमें प्याज तले थे। अग्नि में आधा तेल डाल देना है, आधा तेल रखना है ऊपर से डालने के लिए। ये प्याज तले वाला तेल है। सब मसाले डालकर उसको मिक्स कर 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखना है ढककर। तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, शाजीरा, टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर उसको अच्छे से पानी को 1 बॉल हुए तक उबालना है। चावल धोकर उसको डालना है। ये हम राइस को 2 से 3 पानी से धो चुके हैं, अब इसे हम बॉईल हुए पानी में डालेंगे। पकने देंगे, यहाँ तक पूरा पकने ना देंगे, थोड़ा कच्चा रखेंगे। ये चावल हमारे पक चुके हैं, स्टीम करने की, अभी थोड़े से कच्चे ही रहने देंगे, थोड़ा पकने ना देंगे। अब हम इसमें का थोड़ा पानी निकाल देंगे, अब पानी निखार ले। ये हमारी बिरयानी तैयार है।
टेस्ट के हिसाब से नमक डाल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। भगोना लें, उसमें तेल डालें, के अंदर थोड़ा पानी डालें। आधा ग्लास पानी डालना है चिकन गलने के लिए। अब इसके अंदर राइस डाल दें। ऑयल डालें, तेल में पीच मिलाकर डाले तो बिरयानी तेल तेल दिखता का पीच में पीच मिला इसके अंदर। ऑरेंज कलर डालना है। दस से पंद्रह मिनट ढक कर दम पर रखना है। उसके ऊपर अच्छा ढक्कन ढाँप लें। पाँच मिनट फुल गैस पर धीमी आंच पर दस मिनट रखना है। वैसे पूरे टोटल मिलाकर पंद्रह मिनट दम पर रखना है। हमारी बिरयानी दम हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा निखार आया है इस बिरयानी के ऊपर। देखते ही दिल मलचाने लगे। हमारी दम बिरयानी हो चुकी है चिकन की। कितनी खुशबू आ रही है बिरयानी में। लजीज बिरयानी हमारी बन चुकी है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करें। ये चिकन दम बिरयानी हमारी बन चुकी है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताओ कि इस रेसिपी कैसी बनी है।